देश में बर्ड फ्लू के खतरे के बीच राजधानी दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में स्थित सेंट्रल पार्क में पिछले कुछ दिनों से लगभग 200 कौओं की मौत हो चुकी है। पार्क में फिलहाल सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है और इसे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। आपको बता दें, अधिकारियों द्वारा 5 कौओं के शवों को टेस्ट के लिए जलंधर भेजा गया है। मयूर विहार में सेंट्रल पार्क के केयर टेकर ने बताया कि पिछले एक हफ्ते में 150 से 200 कौओं की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा, हम पार्क में किसी को नहीं आने दे रहे। उन्होंने साथ ही बोला कि अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो 15 से 16 कौओं की मौत हुई है। आपको बता दें, गुरुवार को सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार मामला प्रकाश में आते ही उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के निर्देश पर मयूर विहार फेज 3 के सेंट्रल पार्क में क्विक रिस्पॉन्स टीम को भेजा गया था। आगे बयान में बताया गया कि पार्क में 17 कौए मृत पाए गए और 4 के नमूने एकत्र किए गए। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।